गोरखपुर डिपो और राप्ती नगर डिपो में कंडक्टर्स को ई टिकट मशीन का वितरण हुआ। आपको बता दें कि इस मशीन के माध्यम से बैंकों के स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के अलावा गूगल पे, फोन पे, भीम फोन से पेमेंट लिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से शुरू होने से पैसेंजर्स को काफ़ी सहूलियत मिलने लगी है। अब उन्हें टिकट के लिए कैश पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं और जो छुट्टे की परेशानी रहती है वह भी समाप्त हो गई है। यह मशीन पूरा एंड्रॉयड फोन की तर्ज पर काम करती है। रीडिंग की समस्या के बारे में एक्सपर्ट के मुताबिक नई ई टिकटिंग मशीनें तेजी से कार्ड को रीड कर रही हैं। इस मशीन में चिप लगी हुई है। इसकी तकनीकी मोबाइल तकनीक से भी तेज है। इससे पहले उपयोग की जा रही मशीनों और नई टिकटिंग मशीनों में यह एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, जिसके संबंध में परिवहन निगम के ARM महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि एंड्रॉयड ई टिकटिंग मशीन का ट्रायल पूरा होने के बाद गोरखपुर डिपो और राप्ती नगर डिपो के सभी कंडक्टर्स को मशीन मुहैया करा दी गई है। अब बसों में कैशलेस की सुविधा पैसेंजर्स को मिलने लगी है, जिसकी निगरानी के लिए 2 एक्सपर्ट को लगाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के कंडक्टर्स और ARM महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, आप बताइए जनाब भाई साहब। हेलो, मिल जाएगा बस में ठंडा पानी यहाँ पे था, काम जाएगा ठंडा हो गया। पीछे 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 निकाल पीछे क्योंकि ब्राइटनेस बढ़ा दें इसका, तब तक कोई रूट लग नहीं पाता। अब पहले एक रूट गया, बार चाहे 4 बार चेंज कर सकते। राजेश शर्मा मेरा नाम है, महाराजगंज डिपो में ड्यूटी करते हैं। इस मशीन में एक खासियत है कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, कार्ड भी ले सकता है और टिकट बनाने में बहुत ईजी है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था कैश पेमेंट लेने में। अब तो इसमें हर व्यवस्था है, हर सुविधा है, ओनली डिजिटल मशीन है पूरी। अब पहले मैनुअल बनाना पड़ता था हाथ से टिकट, बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अब मशीन लगता है, बहुत बढ़िया टिकट बनाने का काम है। मशीन है डिजिटल, किस तरह से कार्य कर रही है, क्या खूबियाँ हैं इसकी? देखिए, पहले भी मशीन हमारे यहाँ ATM थी, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन थी, उसमें कैशलेस की सुविधा नहीं थी। टिकट बनाने के बाद टिकट तो ATM से दिया जाता था, टिकट बनाने के बाद चेंज का दिक्कत रहता था, यात्री देते नहीं थे, परिचालक के पास भी मौके पर रहता नहीं था। अब उसको ऑनलाइन करा दिया गया, इसमें आप भीम से, पेटीएम से, गूगल से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चेंज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर किन किन रूटों पर रहेगा आप देखो? सारे रूट पे मशीन है, सारे रूट पे दिया जा रहा है, और सारे रूट पे जहाँ पे मशीन है वहाँ पे ये सुविधा है, बशर्ते नेट का प्रॉब्लम ना हो। आगे भी सर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? पहले यही 2 हो जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है।